जब कोई हमारे सिविल राइट को नुकसान पहुंचाए तो उस पर्सन को रोकने के लिए कोर्ट से स्टे ऑर्डर कैसे ले। आज इस वीडियो में स्टे ऑर्डर से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टे ऑर्डर होता क्या है। जब भी किसी सिविल केस के अंदर हम किसी पर्सन को कोई काम से रोकने के लिए स्टे की एप्लीकेशन फाइल करते हैं और कोर्ट से गुहार लगाते हैं कि इस पर्सन को ये काम करने से इमीडिएटली रोका जाए और अगर इसको नहीं रोका गया तो मेरा बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, तो उस एप्लीकेशन को कोर्ट में लगा करके कोर्ट से उस काम को रोकने के लिए इमीडिएट ऑर्डर को स्टे ऑर्डर बोला जाता है। आम भाषा में इसको हम स्टे ऑर्डर बोलते हैं लेकिन कानूनी भाषा में इसको स्टेटस क्वो बोला जाता है। स्टे ऑर्डर की एप्लीकेशन किसी भी सिविल केस के अंदर सिविल प्रोसीजर कोर्ट के ऑर्डर 39 रूल 1-2 के अंतर्गत लगाई जाती है। अब यहां पर हम किस किस तरह के कार्य को रोकने के लिए स्टे ऑर्डर की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अब ये स्टे ऑर्डर की एप्लीकेशन आप किसी कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए लगा सकते हैं, आप किसी कंस्ट्रक्शन को तोड़ने से रोकने के लिए लगा सकते हैं, आप किसी भी पर्सन को किसी प्रॉपर्टी के अंदर इलीगली एंट्री करने से रोकने के लिए लगा सकते हैं, किसी गवर्नमेंट एजेंसी को किसी चीज के ऊपर कार्यवाही करने से रोकने के लिए आप ये एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी ऐसा काम जिससे किसी के सिविल राइट को नुकसान पहुंचता हो उसको रोकने के लिए जब सिविल केस फाइल करा जाता है तो उस केस के साथ एक एप्लीकेशन ऑर्डर 39 रूल 1-2 की लगाई जाती है, जिसके अंदर कोर्ट से गुहार लगाई जाती है कि इस सिविल केस को डिसाइड होने तक इस पर्सन को ये काम करने से रोका जाए और अगर इसको नहीं रोका गया तो इससे मेरा भारी नुकसान होगा और जो केस डिसाइड होने के बाद भी मुझे किसी भी तरीके से कंपनसेट नहीं किया जा सकता। अब ये स्टे ऑर्डर की एप्लीकेशन हम कब और कहां लगा सकते हैं, देखिए मैं पहले भी बता चुका हूं क्योंकि ये सिविल राइट से रिलेटेड मामले होते हैं तो इस तरह की एप्लीकेशन को सिविल कोर्ट के अंदर फाइल किया जाता है और ये वो कोर्ट होगी जिस पर्टिकुलर आप जिस भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड या किसी भी सिविल राइट से रिलेटेड जो भी ज्यूरिडिक्शन जहां पर भी आपकी प्रॉपर्टी को या आपके किसी सिविल राइट को नुकसान पहुंचाया जा रहा है उस ज्यूरिडिक्शन की सिविल कोर्ट के अंदर ये स्टे ऑर्डर की एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हैं। अब कैसे फाइल करेंगे, ये एप्लीकेशन आप केस के शुरुआत में नए केस को शुरुआत में जब आप फाइल करते हैं तो उसके साथ फाइल कर सकते हैं और कोई सिविल केस अगर चल रहा है तो सिविल केस के चलते के दौरान भी इस एप्लीकेशन को फाइल किया जा सकता है। अब इस एप्लीकेशन को कितने समय के अंदर आपको डिसाइड करके कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिल जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जब भी कोई पर्सन स्टे ऑर्डर की एप्लीकेशन के लिए आता है तो वो चाहता है कि स्टे ऑर्डर तुरंत मिल जाए। लेकिन इसका एक प्रोसीजर है, जब भी आप ऑर्डर 39-1-2 की एप्लीकेशन कोर्ट के समक्ष लगाएंगे तो सबसे पहले कोर्ट उसके अंदर अपोजिट पार्टी को नोटिस करेगी और नोटिस करने के बाद अपोजिट पार्टी को कोर्ट में बुलाया जाएगा। जब अपोजिट पार्टी कोर्ट में अपीयर होगी तो वहां पर वो उस एप्लीकेशन के ऊपर अपना जवाब देंगे और जवाब देने के बाद दोनों पक्षों को कोर्ट के अंदर सुना जाएगा। फिर कोर्ट को ये देखना है कि बैलेंस कहां बनता है, किसके फेवर में ये ऑर्डर जाना चाहिए। अगर कोर्ट को लगता है कि जिस पर्सन ने ये एप्लीकेशन लगाई है उसको स्टे नहीं दिया गया तो उसको एक भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा तो कोर्ट ऐसे केस के अंदर आपकी स्टे एप्लीकेशन को अलाउ करके उस पर्सन को वो कार्य करने से इमीडिएटली रोक लगाने के लिए आदेश पारित कर देगा। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये पूरा का पूरा प्रोसीजर होने में कितना समय लगेगा। देखिए जनरली इस पूरे प्रोसीजर के अंदर हफ्ते से 2 हफ्ते का समय लग जाता है। कोर्ट नोटिस करेगी, अपोजिट पार्टी को बुलाएगी, जवाब आएगा, उसके बाद दोनों पार्टीज के आर्ग्यूमेंट होंगे। अब आपको लगेगा कि अगर किसी केस के अंदर इमरजेंसी इतनी है कि अगर हम 2 हफ्ते का या 1 हफ्ते का भी टाइम पार्टी को नहीं दे सकते हैं और वहां पर 1 दिन की भी देरी होने से आपको इतना नुकसान हो जाएगा जिसका भारी कंपनसेशन हो सकता है और वो पूरे केस को डिसाइड होने के बाद भी आपको पूर्ति नहीं की जा सकती, तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा। देखिए ऐसे केस के अंदर आप कोर्ट को कन्विंस कीजिए कि अगर आपको ये स्टे ऑर्डर इमीडिएटली नहीं दिया गया तो आपको इतना भारी नुकसान हो जाएगा कि बाद में उस नुकसान की पूर्ति नहीं की जा सकेगी और कोर्ट से ऐसी स्थिति के अंदर आप इंटरिम स्टे ऑर्डर मांग सकते हैं और कोर्ट से गुहार लगा सकते हैं कि जब तक अपोजिट पार्टी को नोटिस करके कोर्ट में बुलाया जाए तब तक के लिए उस पर्टिकुलर मैटर के अंदर स्टे दे दिया जाए ताकि अगली डेट आने से पहले अगर पार्टी ने वो काम करना बंद नहीं करा तो उससे नुकसान हो जाएगा, सिचुएशन चेंज हो जाएगी और बाद में मेरा फाइल किया हुआ केस पूरे तरीके से इनफ्रक्चुअस हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप कोर्ट से
इंटरिम स्टे के लिए भी गुहार लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा और कोर्ट को यह बताना पड़ेगा कि आपके लिए इमीडिएटली स्टे देना क्यों जरूरी है। और अगर कोर्ट आपकी बात से कन्विंस होती है और आपकी बात को समझ जाती है और कोर्ट को लगता है कि स्टे देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है बिना दूसरी पार्टी को सुने, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट आपको नेक्स्ट डेट तक के लिए इंटरिम स्टे प्रोवाइड करेगी और नेक्स्ट डेट पे पार्टी के अपियर होने के बाद दोनों पक्षों को सुनेगी और उस इंटरिम स्टे ऑर्डर को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है ये कोर्ट दोनों पक्षों को सुनने के बाद मेरिट के ऊपर डिसाइड करेगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि कोर्ट ने आपके फेवर में स्टे ऑर्डर तो दे दिया और अपोजिट पार्टी को कोई कार्य करने से रोक लगाने के लिए ऑर्डर भी पास कर दिया, ऐसा ऑर्डर पास होने के बावजूद भी वो पार्टी उस काम को करे जा रही है, तो अब ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? ऐसे में कोर्ट के पास एक पावर है जो सीपीसी के ऑर्डर 39 रूल 2A के अंतर्गत दी गई है, जहां पर अगर कोई पार्टी कोर्ट के आदेश की अवमानना करती है तो कोर्ट वहां पर उसके अगेंस्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्यवाही चलाएगी और ऐसे पर्सन को जेल भी भेज सकती है और उसकी प्रॉपर्टी को भी अटैच कर सकती है। तो दोस्तों अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, स्टे ऑर्डर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करूंगा। आने वाले समय में मैं आपको और भी लीगल इन्फॉर्मेशन से अवगत कराता रहूंगा। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।